इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। ये जानकारी ऑक्सीजन संकट को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऑक्सीजन संकट के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली को केवल 279 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली की इस मांग की वजह से करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत तक पैदा हो गई। ये एक बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट से सामने आई है। कुल 126 पन्नों की यह रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, और इस रिपोर्ट में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि दिल्ली सरकार ने जितने ऑक्सीजन की मांग की थी उतनी ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को नहीं थी। 4 गुना मांग बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने यह दावा किया था इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड 25 अप्रैल से 10 मई के बीच की गई थी। यह वो वक्त था जब देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। केजरीवाल सरकार की डिमांड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ही टास्क फोर्स ने केजरीवाल सरकार की इस मांग पर सवाल उठाए हैं। संवाददाता गौनिका अरोड़ा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। गौनिका, आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं मांग कितनी की गई थी, जरूरत कितनी ऑक्सीजन की थी इस रिपोर्ट में, और क्या बातें हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में ये जो टास्क फोर्स कोर्ट की तरफ से गठित की गई थी वो दरअसल एक 12 मेंबर्स की टास्क फोर्स थी, और उसमें एक सब ग्रुप बनाया गया था जिसको रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हेड कर रहे थे, और वो 5 सदस्यों का सब ग्रुप बनाया गया था। उस सब ग्रुप की तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली सरकार की तरफ से जब पीक के दिन थे, यानी कि 25 अप्रैल से 10 मई के दिन जब कोरोना के केसेस दिल्ली में काफी ज्यादा आ रहे थे, 30,000-40,000 तक केसेस पहुंच रहे थे, उस दौरान दिल्ली में इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई 4 गुना ज्यादा मांगी गई थी। और जो कैलकुलेशन करके इस वक्त रिपोर्ट में बताया गया है वो 289 मेट्रिक टन दिल्ली को उस वक्त ऑक्सीजन सफिशियंट थी। इतनी ऑक्सीजन सप्लाई से दिल्ली के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सप्लाई पूरी हो सकती थी, और जो फ्री जो लोगों को इंडिविजुअली भी ऑक्सीजन दी जा रही थी वो भी इसमें सफिशियंट थी। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से जो मांग की गई थी वो करीब 1200 मीट्रिक टन की गई थी, और इतनी ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली सरकार ने ली है। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि इतनी ऑक्सीजन सप्लाई से 12 मुख्य राज्य जिनमें ऑक्सीजन जिनमें कोरोना के केसेस पीक पर थे उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रभावित हो सकती थी, और ऐसा दिल्ली सरकार की तरफ से करीब उन पीक के दिनों में किया गया था। और ये 15 मैं इसी रिपोर्ट को पढ़ रही थी गौनिका, तो इस रिपोर्ट को पढ़ने से ये समझ में आया कि ये टास्क फोर्स का ये जो सब ग्रुप आप जिसकी बात कर रही हैं वो ये भी कह रहा था कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, लेकिन जितनी ऑक्सीजन सप्लाई की गई वो कई ज्यादा है बजाय इसके जितनी डिमांड थी। देखिए बिल्कुल, कोर्ट ने ये क्योंकि दिल्ली और मुंबई ये दो ज्यादा मुख्य तौर पर ऐसे राज्य थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे कोरोना के केसेस के चलते, लेकिन मुंबई की तरफ से महाराष्ट्र की तरफ से देखा गया था कि कभी भी ऐसे बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं गया था। लेकिन उस वक्त जब दिल्ली में कोरोना के केसेस पीक पर थे तो दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया था, और साफ तौर पर हर मामले में वो कोर्ट में जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त की बातें कोर्ट में इसलिए भी पहुंच रही थी क्योंकि हर अस्पताल कोर्ट में जा रहा था। कई अस्पतालों के पास 2 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, दिल्ली हाईकोर्ट जाते थे, और देखा गया कि देर रात तक सुनवाई भी कोर्ट में हुई है। तो बड़ी हैरानी की बात है, मांग की गई 1140 मीट्रिक टन की, जरूरत थी 289 टन की। अब तो हैरानी ये होती है कि फिर ये जो 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई हुई वो अस्पताल पर पहुंची ढंग से या नहीं पहुंची, क्योंकि फिर अस्पताल कोर्ट में क्यों पहुंचे, ये एक अहम सवाल है। शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए आपका। हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और पंजाब को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, इसे लेकर क्या है अपडेट देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।